जय हिंद एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, कल आप सभी लोगों का सैंपल पेपर आ गया है, क्लास टेंथ के टर्म फर्स्ट का। मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आ गए हैं। आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि आपके पेपर किस प्रकार से बनाए जाने वाले हैं, MCQ बेस्ड। ठीक है, सारी PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है, आप डायरेक्टली चाहे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है रैंकर्स NTSE। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप जाकर ज्वाइन करके यहाँ से PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो सैंपल पेपर आपको अपलोड किया गया है। 40 out of 40 आप कैसे स्कोर करेंगे, कितने नंबर हैं, कौन कौन से चैप्टर से कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफिकल्टी लेवल, सारी चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगी। इसी चैनल पर आपको साइंस का भी कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, सोशल साइंस का भी मिल जाएगा, और मैथ का तो मिल ही रहा है। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए एक सफलता बैच फ्री ऑन YouTube आ रहा है, जिसमें आप अपने बोर्ड्स की टर्म फर्स्ट की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 21 सितंबर से, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, उसके ढेर सारे ऑब्जेक्टिव MCQ बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन लगाएंगे, एसिरेशन एंड रीजन क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद आपको DPP प्रोवाइड होगी, PDF फॉर्मेट में आपको DPP प्रोवाइड होगी, जिसमें ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उन किताबों से जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो जाकर आप डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप नए हो, पहली बार चैनल पर आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बोर्ड्स और NTSE दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए आप शुरू करते हैं अपना ये 40 out of 40 का ये पेपर, मैथ्स का सैंपल पेपर जो आया है उसका सॉल्यूशन करना। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका नंबर सिस्टम, जो आपका रियल नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ लिस्ट कंपोजिट एंड द लिस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कंपोजिट होता है, लिस्ट कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ के अलावा भी होते हैं। तो पहला ऐसा नंबर होता है 4, क्योंकि इसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो 4 होता है, ये तो आपको पता है, एक अनदर फैक्टर 2 होता है। तो ऐसे नंबर जिसमें एक तो 1 हो ही हो, वो खुद हो ही हो, साथ ही साथ एक और कोई नंबर हो जो उसका फैक्टर हो, वो क्या कहलाता है, आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 1 और इटसेल्फ ही फैक्टर हो। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, ऐसे नंबर सबसे छोटा नंबर होता है 2, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया, कंपोजिट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पे LCM और HCF इसका निकालना है, तो LCM सबसे पहले निकालेंगे 4 और 2 का, तो LCM आ जाएगा आपका 4, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 और 2 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, LCM और HCF का रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 4/2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2/1, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस कोइंसाइड। कोइंसाइड करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर। क्लियर है, मतलब 5x + 7y = 3 और 15x + 21y = k, ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। इट मींस ये कौन सा इक्वेशन बनाएंगे, कौन सा कंडीशन फॉलो करेंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 5/15 = 7/21 = 3/k। यहाँ से किसी एक दो इक्वेशन को उठा लेंगे और दोनों को कंपेयर कर लेंगे, तो 1/3 = क्या आ जाएगा, 3/k। तो k की वैल्यू क्या आ रही है भाई, 9। क्लियर है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका समझ सकते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से है, एकदम ट्राइंगल चैप्टर से इसको कंसिडर करेंगे, इसको ट्राइंगल से कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए गर्ल वॉक्स 200 meters towards ईस्ट। एक लड़की है जो 200 मीटर कहाँ चलती है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद 150 मीटर नॉर्थ की तरफ चलती है। अच्छा, यहाँ से पहुँच गई, फिर 150 मीटर नॉर्थ की तरफ चल गई। ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा,
द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। अब बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करेंगे, 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर। लेकिन एक दिमाग होता है, क्या दिमाग होता है, 3, 4, 5 आपको ट्रिपलेट पता है, अच्छा 4 में आप 50 का गुणा करिए, 3 में आप 50 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 150, 4 में 50 का गुणा करिए तो 200, तो भैया यहाँ यहाँ 50 का गुणा किया है तो यहाँ पे भी 50 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 250। तो आंसर क्या हो जाएगा, 250 मीटर। अब मैंने ये तरीका क्यों बताया, ये तरीका इसलिए बताया क्योंकि अब आप ऑप्शनल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तरह पेपर दे रहे हैं, तो भैया एग्जैक्ट आंसर निकालने का ये भी तरीका होता है, ये होता है लॉन्ग मेथड, ये होता है शॉर्ट मेथड, और ये मेथड यूज करते हैं कॉम्पिटेटिव वाले बच्चे। तो आपको भी कॉम्पिटेटिव बच्चे बनना है ना। चलिए अगला सवाल, ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था, बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो सकते हैं इस सवाल में, लेकिन अगर एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 and 32 सेंटीमीटर। अब ये कह सकते हैं ये क्लास 9th का सवाल है, 10th में तो कहीं ऐसा चैप्टर आपको दिया नहीं गया है, क्योंकि ये रोम्बस है तो क्वाड्रिलेटरल में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो डायगोनल का लेंथ दिया गया है रोम्बस का, वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि डायगोनल का एक तो है 24 और एक है 32। द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द रोम्बस, एल्टीट्यूड क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर हाइट, क्या पूछ रहा है आपसे, परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट पूछ रहा है कितना होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द रोम्बस, एरिया ऑफ द रोम्बस निकाल लेते हैं, हाफ d1 इंटू d2, ये सभी लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा हाफ, d1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया 24, और ये d2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 32, 2 × 1 = 2, 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 36 × 2 = 38, 384 तो आ गया इसका एरिया, क्लियर है। अब आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये एंगल 90 डिग्री बनता है, ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये 16 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, अब वही ट्रिपलेट, 3, 4, 5, 3 से ये 12 हो गया, 4 से ये 16 हो गया, 4 का गुणा हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आपको मैंने बता रखा है लेकिन आपने मेरी क्लास की नहीं होगी एनटीएससी वाली, कोई बात नहीं, 21 सितंबर से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो भाई साहब ये 20 हो जाएगा, तो भैया अगर ये 20 हो गया तो एक फॉर्मूला एरिया निकालने का ये भी होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, तो ये हो जाएगा बेस, बेस कितना हो जाएगा 20, और हाइट हमें पता करना है, तो ये कितना है 384, तो बस कैलकुलेट कर लीजिए, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 384 / 20, 0 से ये पॉइंट लग जाएगा, 2 से ये हो जाएगा 19.2, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है, समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार तो कर लो, इतना बढ़िया तुमको सॉल्यूशन बता रहा हूँ, पूरा का पूरा पढ़ाने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, मैथ साइंस सोशल साइंस, तो आपके लिए तो हेल्पफुल है ही चैनल। चलिए अगला सवाल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है, सिमिलर है, अच्छा ठीक है भाई, ABC और PQR क्या है, सिमिलर है। तो भैया सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए कि ABC और PQR अगर सिमिलर हैं तो AB / PQ करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा, BC / QR इक्वल टू AC / PR, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि AM और PN क्या है, एल्टीट्यूड है, AM और PN क्या है, एल्टीट्यूड है। तो भैया आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो एल्टीट्यूड का भी साइड का रेशियो होता है ये भी बराबर होता है AM / PN, क्लियर है, अच्छा रेस्पेक्टिवली AB² / PQ² की वैल्यू दी गई है आपको, तो भैया किन्हीं दो को आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से AB / PQ की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, AB / PQ की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/3, और ये किसके बराबर हो जाएगा, AM / PN के, यही आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 2:3, क्लियर है, अच्छा चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, आई थिंक ये कॉपी हो गया क्या, या थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर, चलिए एक बार मैं इसको मिला लेता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वहाँ में कोई दिक्कत हमसे, अच्छा एक सवाल ये छूट गया है शायद, पांचवा ये, चलो यहीं पे कर लेते हैं इसको, पांचवा अगर छूट गया है तो इसको यहीं पे कर लेते हैं, 2 fair coin are tossed, एक बार मैं देख लेता हूँ कहीं मैंने यहाँ गड़बड़ी तो नहीं की है, चलो ये क्वेश्चन छूटा है मेरा, चलो तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे सवाल कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है पांचवा सवाल, 2 fair coins are tossed, what is the probability of getting most
एट द मोस्ट वन हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हेड पा सकते हैं। अच्छा, चार दो कॉइन को टॉस करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो हेड हेड मिलेगा, एक तो टेल टेल मिलेगा, ठीक है, और एक तो हेड टेल मिलेगा या फिर टेल हेड मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो सकता है, कम से कम एक भी ना हो ये चलेगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन है? एक तो ये वाली है, एक तो ये वाली है और एक तो ये वाली है। तो टोटल कितनी आपको मिली? तीन। टोटल कितनी है? चार। मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम 3/4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ है भाई? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी का बहुत ही आसान सवाल था ये। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन नंबर कहता है कि 2 sin² β - cos² β = 2, देन बीटा क्या होगा? इसको बहुत सारे तरीकों से लगा सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसे कर रहे हैं। देखिए, एक तरीका मैं एकदम फास्ट वाला बताता हूँ, हो सकता है किसी को ना पता हो। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 sin² β - cos² β है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 sin² β को हम कन्वर्ट कर देते हैं 1 - cos² β में। एक तो ये तरीका हो सकता है, -cos² β = 2, ये हो जाएगा 2 - 2 cos² β - cos² β = 2। अच्छा, यहाँ से आ गया -3 cos² β, और ये क्या हो गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 0 हो गया, तो ये आ गया cos² β = 0। तो cos² β = क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो cos β की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? वो भी 0 होगी। और cos β 0 किस पर होता है भाई? कहोगे भैया बीटा जो होता है वो 90° पर 0 होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया हम cos² β को sin² β में भी तो कन्वर्ट करके कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे उस तरीके से करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो 2 sin² β, यहाँ लिख सकते हो -1 - sin² β, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 2 के। तो यहाँ से आ जाएगा 3 sin² β = 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा sin² β = 1। तो sin β = 1, तो sin β की वैल्यू 1 किस पर होती है? β = 90° पर। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 90°। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सपेंशन 44.123। तो भैया इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब आपको पता ही है कि अगर ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेट कर रहा है, तो भैया अगर इसके जो डिनोमिनेटर में होगा, जो नीचे होगा, इनके फैक्टर सिर्फ 2 × 5 हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी आया, अगर 3 इंक्लूड हुआ, 7 इंक्लूड हुआ, कुछ भी इंक्लूड हुआ, तो वो किस में चले जाते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग में। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2 और 5। क्लियर है? कन्फ्यूज नहीं होना है। फास्टली करने का यह तरीका है। द लाइन x = a and y = b r। भाई साहब, x = a की लाइन कौन सी हो सकती है? ये एक्स एक्सिस है। x = a मतलब x पर कोई भी पॉइंट और x = a की लाइन आपको ड्रॉ करनी है, तो कुछ इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे। अच्छा, y = b लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये y एक्सिस है, यहाँ पे हमने b किसी b वैल्यू पर y की लाइन ड्रॉ कर दी है। y = b की लाइन है, ये x = a की लाइन है। तो भाई साहब, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट ही तो कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग। क्लियर है? चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द ओरिजिन। तो भाई आपको पता होना चाहिए क्या होता है, अंडर रूट x² + y² होता है जी। बस अंडर रूट 5 × 25 प्लस 6 × 36, दैट इज अंडर रूट 61 यूनिट। ठीक है, और कहीं अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि सिर्फ अंडर रूट 61 और एक ऑप्शन में दिया जाए अंडर रूट 61 यूनिट्स, तो भाई साहब याद रखिएगा कि इसको क्लिक करिएगा, यूनिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चल जल्दबाजी में बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर सकते थे, 61 यूनिट पर भी क्लिक करके चले आते हैं। ये छोटी छोटी गलतियों पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब जो एग्जाम है, गलत तो गलत, सही तो सही, देयर इज नो स्टेप वाइज मार्किंग इन दिस एग्जाम। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। चलिए अगला सवाल, a² = 23/25 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो भैया a² = 23/25 है, तो a क्या हो जाएगा? √23/5। अब आपको ये पता है कि 23 एक प्राइम नंबर है, तो उसका रूट क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर में अगर किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो वो नंबर क्या रह जाता है? इरेशनल। तो ऑप्शन क्या होगा? इरेशनल। क्लियर है? समझ में आया? बढ़िया। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि एलसीएम ऑफ एक्स 18 जो है वो 36 है, एचसीएफ ऑफ एक्स 18 जो है वो 2 है। अब कुछ बच्चे कॉमनली सोच के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बट हमें क्या है, हम सीखने बैठे, हमने जो पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
ये आपने पढ़ रखा है। तो भैया एल सी एम इंटू एच सी एफ क्या हो जाएगा, 36 × 18 हो जाएगा। दो नंबर आपको कौन कौन से दिख रहे हैं, एक्स इंटू 18, तो 18 से 18 कट गया, तो x की वैल्यू, अरे यार यहाँ पे 36 × 2 होगा ना, हाँ 18 से फिर इसको काट दिया, 18 × 2 = 36, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 4। और घबराइएगा मत, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, पूरा सॉल्यूशन, क्लियर है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 13 साहब कह रहे हैं हमसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छा tan A की वैल्यू √3 है, तो tan A की वैल्यू √3 है तो आपको पता हो गया कि एंगल A कितना होगा, 60 डिग्री। चलो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं, ये है कितना 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो गया आपको पता चल ही गया, अगर ये 90 है ये 60 है तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये A है, ये B है, ये C है, tan A की वैल्यू √3 दी गई थी, तो हमें समझ में आ गया कि tan 60 की वैल्यू ही √3 होती है, तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है cos A, तो cos A का मतलब ये cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया 1/2 हो जाएगी। cos C मतलब cos 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया √3/2 हो जाएगी। माइनस sin A की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहोगे भैया 1/2 हो जाएगी। ना भैया sin 60 पूछ रहा है, √3/2 होगा, अच्छा ठीक है बेटा। साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो आपको ये दोनों चीज़ें बराबर दिख रही है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आपसे इफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ। इफ द एंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2 रेस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल आर दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा। तो भाई साहब ऐसे क्वेश्चन में कभी भी घबराना नहीं है, आपको दिया गया है कि मान लीजिए ये पहला एंगल x है, दूसरा एंगल x है, तीसरा एंगल क्या है, 2x है, क्लियर है। तो भैया ये केस के बराबर हो जाएगा, एक ट्रायंगल ही तो है, तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो भैया 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहोगे भैया 45 डिग्री, तो एंगल तो पता चल गया ना जी, क्या हो गया, 45 और 90 बना दो, ये बन गया ट्रायंगल, और ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 45 है, ये 45 है। तो भैया आपसे पूछ क्या रहा है, अब याद ये रखिएगा कि ये A है, ये B है, ये C है, क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल है, तो सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि sec A की वैल्यू क्या होगी, कहोगे भैया ये तो हमें पता है कि √2 होता है। cosec B की वैल्यू क्या होगी, ये भी तो √2 होगा। माइनस tan A मतलब tan A का मतलब tan 45, ये होगा 1/√2, और भैया cot B का क्या होगा, ये भी 1/√2 होगा, कहोगे भैया क्लियर है, अच्छा 1/√2 ही होता है ना जी, मारूंगा ना, 1 होता है, कहाँ दिमाग चल रहा है सबका, मेरा खुद पता नहीं कहाँ चल रहा है, साइन में हम चला गया हूँ, साइन 45 की वैल्यू लिख दे रहा हूँ। चलो तो ये भैया 1 - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन पे क्लिक कर दे यार, ऑप्शन नंबर ए बहुत ही प्यारा ट्रिगो का सवाल था, इजी था। तो भैया सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन इजी हैं, मतलब 16 नंबर तो आपसे कोई छीन ही नहीं सकता है, 20 में से 16 ही तो करने हैं। चलो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाई ए सर्कुलर व्हील ऑफ  0.7 मीटर इन ए रोलिंग ए डिस्टेंस इतना, तो आपको फॉर्मूला पता होगा, डी इक्वल टू क्या होता है, 2πrn। अब कितनों को कन्फ्यूजन होता है, प्यारे बच्चों रोड पे जब सर्कल चलेगा, जब पहिया चलेगा, तो ये 2πr यहाँ से यहाँ तक, मान लो यहाँ घूम के आया, ये पॉइंट अगर यहाँ तक पहुँचने में 2πr लगाया, तो ऐसे ही ऐसे रिवॉल्यूशन करने में अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए, तो ये हो जाता है n रिवॉल्यूशन, तो 2πr सर्कमफ्रेंस इंटू n इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ये होता है फॉर्मूला, रख दो बस इसको। आपको निकालना है n की वैल्यू, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन रोलिंग डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर, तो ये 176 इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू रेडियस 0.7 मतलब 7/10 इंटू n, n की वैल्यू निकालनी है, 22 × 1 = 22, 22 कितना होता है, 176 होता है, तो 2 से इसको काट दो, 2 × 4 = 8 हो गया, 7 से इसको काट दो, 10 × 4 = 40 हो गया, तो n इक्वल टू 40 आ गया। बस अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और ऑप्शन आप सही करेक्ट करके आएंगे। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16, ट्रायंगल ABC इज सच दैट AB इक्वल टू 3 cm, BC इक्वल टू 2 cm, CA इक्वल टू 2.5 cm, अच्छा ABC और DEF क्या है, सिमिलर है, EF इक्वल टू 4 cm दिया गया है, देन पेरीमीटर DEF क्या होगा,
प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ए बी सी और डी ई एफ अगर क्या है, ए बी सी और डी ई एफ क्या है, क्या है, सिमिलर है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा और पेरीमीटर, करेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर उनके साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो भैया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए बी अपॉन, अब देखो ई एफ है ना, ई एफ दिया गया है तो यहाँ से हम बी सी अपॉन ई एफ वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, बी सी अपॉन ई एफ वाली वैल्यू ले लेंगे, बी सी अपॉन ई एफ वाली, काहे को हम इतना लिखें, हम तो ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे हैं ना। चल तो भैया पेरीमीटर ऑफ ए बी सी कैसे निकालें, अरे दिया तो है, इसको जोड़ दो, 3 2 5 5 2 7 साढ़े सात पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ निकालना है हमें, बी सी की वैल्यू हमारे पास 2 है और ई एफ की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7.5 × 15 क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। एक भी सवाल कठिन लग रहा है क्या, एक भी सवाल मतलब पूरे के 20 के 20 इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन थोड़े बहुत ट्रिकी हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन जब आप मेरी क्लासेस कर लेंगे, इस सफलता बैच में पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, टेस्ट देंगे, तो शायद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन द फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल है, ए डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ए डी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, बी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 14 सेंटीमीटर है। अच्छा तो डी ई किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, अब मैं बताता हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं। सबसे पहले बच्चे सोचते हैं कि भैया 3/4 = डी ई बाई 14 हो जाएगा, तो ये कह देंगे कि 2 × 4 = 2 × 7 = 14 = 21/2 आ जाएगा डी, फिर उन्हें कहेगा ए भैया ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, अब हम क्या करें, अरे पागल ये 4 तो बस यहाँ तक का डिस्टेंस है, आपका ये बड़ा वाला ट्रायंगल, जो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ना, ये पैरेलल है तो ये कॉमन एंगल, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, तो भैया ये छोटा वाला ट्रायंगल के साथ बड़े वाले ट्रायंगल को कंपेयर करना है, तो 3/7 करेंगे, 4+3 ये पूरा लेंथ, क्लियर है, 7 और इधर क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा और यहाँ बी सी 14 हो जाएगा, तो 7 × 7 = 7, 2 × 14 = 2, 3 = 6, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 tan β = 3, बहुत ही आसान, देखिए ट्रिक, tan बीटा इक्वल टू 3/4 हो गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भैया यहाँ पे हम ट्रायंगल मिला दें, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये बीटा हो गया, ये 5 हो जाएगा, फिर वो साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉस बीटा की वैल्यू, इतना काम थोड़ी करना है, और सीखो साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन बीटा की वैल्यू हो गई 3, कॉस बीटा की वैल्यू हो गई 4, सीधा रख दो यहाँ 4 × कुछ नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना ही नहीं है कि साइन बीटा यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, साइन बीटा एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू आपको 3 रखनी है, कॉस बीटा एक एंटिटी है जिसकी वैल्यू आपको 4 रखनी है, साइन बीटा की वैल्यू 3 माइनस 3 × कॉस बीटा की वैल्यू 4 अपॉन साइन बीटा की वैल्यू फिर से आप क्या रखेंगे 3 और कॉस बीटा की वैल्यू आप फिर से क्या रखेंगे 4, तो 4 × 12 माइनस 4 × 12 अपॉन 4 × 12 प्लस 12, तो 0/24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्लियर है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि भैया हम इसको क्या कर सकते हैं, 4 tan β लिख सकते हैं, माइनस 3 लिख सकते हैं, इसको 4 tan β लिख सकते हैं, इसको प्लस 3 लिख सकते हैं, फिर आपने बताया यहाँ 4 tan β की वैल्यू 3 रख दीजिए, 3 − 3 = 3, ये भी एक तरीका, बढ़िया तरीका है, यहाँ से भी 0 आ सकता है और जल्दी आ सकता है, तो दोनों तरीके आपको पता ही होने चाहिए, बस एग्जाम में सही करके आइएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, और ये किसका है, ट्रिगो का, ठीक है, आसान था, मजा आया, चल शेयर कर देना इसको अपने क्लास के सभी दोस्तों के साथ कि इतना बढ़िया सॉल्यूशन जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। चलिए, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज द सेकेंड इक्वेशन कैन बी, याद ये रखिएगा कि इसने कहा है कि डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट का ही मतलब वही होता है कि एक लीनियर इक्वेशन के ऊपर दूसरा लीनियर इक्वेशन होगा, क्लियर है, तो भैया ये कोइंसिडेंस वाली बात हो रही है, तो भैया −5x + 7y − 2 = 0 होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बनाना होगा क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखिए आपको 10x + 14y + 4 मतलब 10 14 4 में दिख रहा है, मतलब या तो 2 से मल्टीप्लाई किया होगा या तो −2 से, तो एक बार 2 से कर लेते हैं, ये हो जाएगा −10x + 14y − 14 = 0, या तो ये ऑप्शन आपको मिल जाए, यहाँ से आ जाएगा ये हो जाएगा आपका, या तो आप इसको लिख सकते हैं 10x − 14y + 4 = 0,
या तो ये ऑप्शन आपको कहीं मिल जाए या तो ये ऑप्शन कहीं मिल जाए, माइनस टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आई थिंक डी वाला ऑप्शन चेक करिए, 10x माइनस 14y माइनस 4 को इधर करिए प्लस 4, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? दो से मल्टीप्लाई करिए या फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करिए, एग्जैक्ट जो इक्वेशन आपकी आ रही है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का होने वाला है। ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रेंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। कह रहा है कि हमने क्या किया, अल्फाबेट कई लेटर लिखे हुए हैं ए से लेकर जेड तक, ठीक है, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं, इनमें से हमने पिक करना शुरू किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इन्हीं में से लेटर कोई आया। तो इनमें कौन कौन से लेटर है ये पता कर लीजिए। इसमें देखो एक तो एम दिख रहा है, एक तो ए दिख रहा है, एक तो टी दिख रहा है, एक तो एच दिख रहा है, एक तो ई दिख रहा है, एक तो आई दिख रहा है, एक तो सी दिख रहा है, एक तो एस दिख रहा है। रिपीट तो कोई नहीं हुआ ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल 8 टाइप्स के लेटर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे एम भी लिख लेते हैं, भाई ये एम तो यही है, फिर दोबारा थोड़ी लिख लोगे। क्लियर है? तो टोटल 8 लेटर दिख रहे हैं, तो 8 लेटर की पॉसिबिलिटी 8 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितने होंगे, 26। तो भैया 2 चौके 8, 13 दूना 26, तो 4/13 विल बी द आंसर। तो भैया 20 क्वेश्चन हम लोगों ने सेक्शन ए के कर लिए हैं और सभी के सभी बहुत ईजी थे, ठीक है, समझ में आई चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, यहाँ से चीज़ें शुरू हो जाएंगी आपकी सेक्शन बी की, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन में से फिर से 16 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स आर 1215, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या दे दी गई है आपको, 1215, और देयर एच सी एफ, एक्स और वाई का एच सी एफ क्या हो गया, 81 हो गया। क्लियर है? द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर ऑफ सच नंबर्स। अब यहाँ पे बच्चों को दिमाग एकदम घूम जाता है, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। देखिए भाई 1215 क्या है, उन दोनों नंबर का सम है, ठीक। एच सी एफ क्या है, 81, मतलब 81 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काटेगा, सबसे बड़ा ऐसा नंबर है 81 जो इन दोनों को काटेगा। इट मीन्स ये पॉसिबल दिख रहा है कि 81x प्लस 81y होगा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 1215 होगा। यहाँ पे x और y हमने क्या किया, मान लीजिए इसको m और n लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। ये दो नंबर m और n हमने लिख दिया क्या, m प्लस n इक्वल टू 1215, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया कि m जो नंबर है वो होगा 81 टाइम्स ऑफ x हमारा, ठीक है, और n क्या होगा, 81 टाइम्स ऑफ y, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाइड होगा लेकिन 81 टाइम्स तो होगा ही होगा, ठीक है। तो भैया अब इन दोनों नंबर का सम किसके बराबर होगा, 1215 के, तो यहाँ से 81 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1215। यहाँ पे इस ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 14 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 14 एक कम 14 होता है, एक सेकेंड, सॉरी 15 बाद जाएगा ना, कहाँ दिमाग चल रहा है, 15 एक कम 15, 15 अठा 120 एक 21, 121 115, हमें 14 कैसे लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई, 81 से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए कुछ बच्चे कहे कि भैया 3 भी से तो होगा, लेकिन 3 छोटा होगा, 3 से बड़ा 27 से भी तो कट जाएगा, 81 विल बी द मैक्सिमम फैक्टर। क्लियर है? तो यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। अब देखिए अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि भैया अब x प्लस वाई की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x प्लस वाई जो होने चाहिए, x और y जो होने चाहिए को प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि फर्दर कोई फैक्टर ना मिल जाए, क्योंकि फर्दर अगर फैक्टर मिल जाए तो ये एच सी एफ बड़ा हो जाएगा। सपोज अगर आपको 2 मिल गया एज ए कॉमन नंबर, तो 81 दूना 162 इसका एच सी एफ हो जाएगा, लेकिन हमें कोई भी को प्राइम अब मतलब कोई भी फैक्टर नहीं मिलेगा। तो x प्लस वाई जो कॉम्बिनेशन है 15 जो है वो इस तरह से होगा, या तो 1 14 हो जाए, या तो 2 13 हो जाए, या तो 3 3 12 पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं ये को प्राइम नहीं है, 4 11 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 5 10 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 6 9 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, 7 8 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, फिर 8 7 रिपीट होने लगेगा, फिर 6 10 रिपीट होने लगेगा, फिर आपका अरे 6 9 रिपीट होने लगेगा, फिर 7 8 रिपीट हो गया, फिर उसके बाद
आठ सात रिपीट हो गया, फिर उसके बाद नौ छः रिपीट हो गया, तो इस तरह से रिपीटेशन दिखाई देने लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा, चार पेयर आपको मिलेंगे। तो भैया नंबर्स, अगर आपसे एग्जैक्ट नंबर पूछता तो आप क्या कहते, 81 और 81 × 14, एक तो ये नंबर होता, फिर 81 × 2 और 81 × 13, एक तो ये नंबर होता, 81 × 4 और 81 × 11, एक तो ये नंबर होता, 81 × 7 और 81 × 8, एक तो ये नंबर पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी पेयर में मिले हैं आपको, चार मिले हैं, मैंने पूरा डिटेल्ड में आपको समझा दिया, ठीक है, कि कोई कंफ्यूजन ना हो, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। चलो अगला सवाल, गिवेन बिलो इज दैट इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाई ए बी एंड सी डी। अच्छा थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी, ठीक है। वॉट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई दोज टू लाइन्स एंड द एक्स इक्वल टू जीरो। अब बच्चे यही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो ये वाला ले कि ये वाला ले। प्यारे बच्चों यहीं से गलती आप करना शुरू करते हैं, और इसी तरह से ऑप्शन भी दिए होंगे, याद रखिएगा ऑप्शन ऐसे भी होंगे, अभी दिखाऊंगा। कुछ बच्चे इसका एरिया निकाल लेंगे, कुछ बच्चे इसका एरिया निकाल लेंगे, ये वाले तो सही हो जाएंगे, ये वाले गलत साबित हो जाएंगे। भाई एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन ये होती है, सब कहते हैं भैया एक्स तो यहाँ लिखा है एक्स इक्वल टू, अरे पगला एक्स इक्वल टू जीरो मतलब एक्स पे वैल्यू जीरो होनी चाहिए, एक्स पे वैल्यू जीरो, वाई पे हमें नहीं पता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन ये है, ये है एक्स इक्वल टू जीरो, और ये होती है वाई इक्वल टू जीरो की लाइन, क्लियर है। अच्छा तो भैया हमें एरिया इस ट्रायंगल का निकालना है, बस अब क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस में क्या है, एक तो एक बॉक्स ये दिख रहा है, एक दो तीन चार पाँच और छः, हाफ इंटू सिक्स यूनिट। हाइट कितना दिख रहा है, एक तो मैक्सिमम एक और ये दो परपेंडिकुलर हाइट यहाँ से दो, तो इसको काटिए, दो तीन छः, तीन दूना छः, सिक्स स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। अब गलती वाले क्या करने वाले हैं, एक दो तीन, तीन हो गया, हाफ तीन इंटू हाइट टू, तो भैया वो थ्री स्क्वायर यूनिट लगाकर आ जाएंगे, फिर कहेंगे भैया मेरा क्यों गलती हो गया, मैंने तो सही सोचा था, मैंने तो सही कैलकुलेशन किया था। नहीं दोस्त, ये गलती नहीं करनी है, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि x इक्वल टू जीरो कौन सा होता है और y इक्वल टू जीरो कौन सा होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, ट्रिकों के इस सवाल पर, प्यारे से सवाल पर, आप सभी लोग लगाएंगे मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ। इसके पहले कौन सा सवाल था, कोऑर्डिनेट था ना, अच्छा चल, इफ टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू टू देन टेन ट्वेंटी अल्फा, टेन के पावर ट्वेंटी अल्फा प्लस कॉट के पावर ट्वेंटी अल्फा। जब भी ऐसा केस एराइज हो तो सबसे पहले आप थिंक करेंगे कि ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं कौन सा अल्फा का वैल्यू रख दें कि ये दो ये आ जाए टू, तो टेन फोर्टी फाइव रखने पे ही आपका ऐसा पॉसिबिलिटी बनेगा, तो ये हो जाएगा टू, क्योंकि टेन पैंतालीस वन, कॉट पैंतालीस वन, तो हमें थीटा मिल गया कितना, अल्फा मिल गया कितना, पैंतालीस डिग्री, यहाँ भी रख दो, तो भैया टेन पैंतालीस की वैल्यू वन, वन के पावर ट्वेंटी प्लस वन के पावर ट्वेंटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन प्लस वन इक्वल टू ट्वेंटी, देख रहे हो भाई टू होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्लियर है। सभी सवाल इजी इजी लग रहे हैं, बढ़िया लगेंगे, अरे मेरी क्लास कर लोगे ना तो तुम्हें सब इजी लगेंगे। चलो अगला सवाल कह रहा है कि 217x + 131y इक्वल टू 913 एंड 131x + 217y इक्वल टू 827, तो हमें पता करिए देन x प्लस वाई कितना होगा। आसान है, ये है लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सम कर देंगे, एक बार सम करेंगे, इक्वल टू 913, ये हो गया 131x प्लस 217y इक्वल टू 827, सम करिए, सात एक आठ, तीन एक चार, दो एक तीन, 348x प्लस सात एक आठ, तीन एक चार, 348y इक्वल टू सात तीन दस, दो एक तीन एक चार, नौ आठ सत्रह एक अठारह, तो 348 आ गया, यहाँ से 348 कॉमन ले लो, x प्लस y इक्वल टू 1840, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, पाँच से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट वो बच्चों को तो क्लियर आ रहा होगा जो एनटीएससी की क्लासेस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 डन, बढ़े नेक्स्ट पे। तो भाई साहब आधे घंटे के लगभग में हम लोगों ने 24 क्वेश्चन कर लिए हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लीजिए एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू एज 221, समझिएगा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू,
दो प्राइम नंबर हैं पी और क्यू जिनका एलसीएम कितना आ रहा है 221। दोनों नंबर क्या है? प्राइम है। अब याद रखो यार 221 कब आएगा? देखो 10 का गुणा हम 20 से करते हैं तो कितना आता है? 200 आता है। मतलब नंबर कहीं आसपास इन्हीं के होंगे। अब पहले हम प्राइम नंबर लिख लेते हैं। देखो मैं सिखा रहा हूँ तुम्हें, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। अब इन्हीं में कॉम्बिनेशन बनाना है। यूनिट डिजिट है क्या? 1 है। तो भैया कैसे आएगा? एक तो आ सकता है कि भैया आप 1 से मल्टीप्लाई कर दें, किसका ना, किसी का नहीं, 7 से 3 का, यही पॉसिबिलिटी बनेगी। 17 × 13 यही पॉसिबिलिटी है बेटा, 17 × 13 करिए, 13 से 91, 9 आया 13 कम 13, 13 9 22, तो बिल्कुल 17 × 13 विल बी द आवर आंसर। अब हमसे पूछ रहा है कि 3p-q कितना होगा? इसने कह रखा है कि p ग्रेटर है तो p की वैल्यू क्या हो गई? 17। q की वैल्यू क्या हो गई? 13। तो 17 * 51 - 13 दैट विल बी द 38। आसान था, बस एक बार कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत यह थी कि 2 प्राइम नंबर कह दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स। 52 की गड्डी होती है ना, 52 की, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन। मतलब किंग और क्वीन नहीं होनी चाहिए, बाकी सब कुछ होने चाहिए। तो भैया किंग के कितने पत्ते होते हैं? 4। क्वीन के कितने पत्ते होते हैं? 4। इन दोनों को बाहर निकाल के फेंक दो, ये कितने हो गए? 8। बाहर निकाल दो, 52 में से 8 निकाल दिया तो ये हो गया 46। 44 नहीं जी 44, ठीक है 44। तो बचा कितना? 44। आने की पॉसिबिलिटी यही 44 है। टोटल कितने हैं? 52 है, तो इनको काट लो। ये हो गया आपका 4 से 11, 4 से 13, 11/13 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सफल करने आता है ना जी, खेलने उन्हें आता है कि नहीं तुम लोगों को कार्ड्स वगैरह? नहीं आता है, चलो जाने दो, सीखना भी मत, जानकारी होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 27। 2 fair dice आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। एक बार तो 5 आना चाहिए भाई, हमारी लूडो की गुट्टी है इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा तो अब कह रहा है ना कि भैया यहाँ पे एक बार 5 आ जाए, या फिर यहाँ आए चाहे मत आए, या फिर दोनों पे आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कब बनेगी? भैया एक तो 1 5 बन जाएगा, तो भैया 5 1 भी तो बन सकता है। अच्छा चलो ठीक है, भैया 2 5 बन सकता है। अच्छा तो 5 2 भी बनेगा, 3 5 भी बन सकता है भैया, 5 3 भी बनेगा भैया, 4 5 भी बन सकता है भैया, 5 4 भी बन सकता है पगला, 5 5 बनेगा भैया। भैया एक और 5 5 लिख दे, नहीं 5 5 का एक ही, 6 5 बनेगा, अरे 5 6 भी बन सकता है, क्लियर है। तो टोटल पॉसिबिलिटी आपको दिख गई कितनी? क्योंकि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल कितने होते हैं? क्योंकि भैया 36 ही तो होते हैं, 11/36, क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं? 36। यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 11, तो 11/36। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। चलो, इफ 1 + sin² α = 3 sin α cos α देन द वैल्यू ऑफ cot α। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 + sin² α = 3 sin α cos α। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है अपने को? रिलैक्स रहना है। करना क्या है? रिलैक्स रहना है। ये 1 है ना, इसको लिख दो sin² α + cos² α, ये तो तुमने आइडेंटिटी पढ़ी है ना जी, प्लस sin² α = 3 sin α cos α, ठीक है। अच्छा तो ये sin² α और sin² α कितने हो गए? 2 sin² α भैया जी। ये कितने हो गए? cos² α जी। माइनस इधर कर दो, 3 sin α cos α, अच्छा = 0। अब ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, कॉम्बिनेशन करना है बस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो गया, इसमें तो क्वाड्रेटिक भी आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 sin α cos α - sin α cos α + cos² α = 0। अब यार जिस तुमको चेक करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो, तुम्हारा ए सी ही आ रहा होगा। ए सी कौन सा होगा? ये दोनों देख लो भाई, देख लो, यहाँ से कॉमन ले लो 2 sin α, तो ये हो जाएगा sin α - cos α, ठीक है।
फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, कॉस अल्फा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। फिर यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, क्योंकि भैया यहाँ से आ जाएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में टू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में इक्वल टू जीरो। अब हमसे पूछ क्या रहा है कॉट अल्फा कितना होगा, तो सबसे पहले हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक जगह से अल्फा आ जाएगा यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब टेन अल्फा इक्वल टू क्या क्या टेन अल्फा इक्वल टू वन आ जाएगा। ठीक है, तो टेन अल्फा इक्वल टू वन आएगा मतलब कॉट अल्फा इक्वल टू भी वन होगा। तो एक जगह से कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। बहुत बढ़िया सवाल है ये। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा टू साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा मतलब कॉट अल्फा, यहाँ से क्या आ जाएगा टू आ जाएगा। क्लियर है, एक तो वन आएगा एक तो टू आएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया सवाल था। बस काम क्या करना था, वन की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा रखना था, उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉमन लेना था। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को जैसे सॉल्व करते हैं, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फैक्टर निकालेंगे, फिर ऐसा डिवाइड करेंगे कि सम के बीच में हो। क्लियर है, वही काम यहाँ करना था। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए बी सी डी। तो भैया सबसे पहले आप क्या करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फिगर बनाइएगा। ये ए है 1,2, ये बी है 4,y, ये सी है x,6 और ये डी है 3,5। फिर क्या करिएगा, इन दोनों को ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक है, मिलाने के बाद क्या करना होगा भैया, मिलाने के बाद ये आपको पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये बराबर होता है, ये बराबर होता है, और एक ही जगह मिलेंगे ये सब। तो भैया निकाल लेते हैं, ये 1 + x/2 हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा 4×3 = 7/2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर है, तो x की वैल्यू कहाँ 6 दिख रही है, बस यहीं दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए क्लिक करके आगे भाग जाना। चेक करने का मन है तो चेक कर लेना, 6×2 = 8/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 + y/2, 2 से 2 गया, y = 3 आ गया, तो ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे पक्का का पक्का, ठीक है, बट लगाएंगे हम, सीखेंगे इसको। तो भाई साहब जो अगला सवाल है उसको लगाते हैं। इन द ट्रायंगल, इन द गिवन फिगर ए सी बी इक्वल टू सी डी ए, ए सी बी ये वाला और सी डी ए वाला एंगल क्या है, बराबर है। अच्छा, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो बी डी कितना होगा ये पूछ रहा है। प्यार बच्चों एक चीज जानिएगा कि ये एंगल जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो भैया इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड बड़े वाले ट्रायंगल में बी सी होगी, और इसके सामने वाली साइड छोटे वाले ट्रायंगल में क्या होगी, सी डी होगी। लेकिन इसका काम नहीं करना है, अपने को क्या करना है, इसका काम करना है। ये जो बच रहा है, ये जो बच रहा है, ये एंगल और एक ये एंगल, एक तो इसके दोनों अपोजिट साइड वाला ले लेंगे, और एक जो एंगल दिया गया बराबर उसके बराबर वाला ले लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो गया डबल ए से, किससे, डबल ए से। क्लियर है, एक तो दिया गया है, एक तो कॉमन, तो डबल ए से सिमिलर हो गया। अब साइड का रेशियो लेने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो मैं उनको सिखा दूं, एंगल जो बराबर होता है उनके सामने वाले के साइड का प्रोपोर्शन ले लिया करो, रेशियो ले लिया करो। जैसे अगर बड़ा ट्रायंगल ऊपर लिख रहे हो तो दोनों जगह बड़ा ट्रायंगल ऊपर लिखना। जैसे मैंने क्या लिया, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में ये वाला एंगल लिया, तो इसके एंगल के सामने क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ए बी अपॉन ये पूरा ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ये इक्वल था इसके, तो भैया इस एंगल के सामने ये हो जाएगा ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर लिख रहा हूँ, छोटा वाला ट्रायंगल नीचे। अब उसके बाद और कौन सा डाटा है हमारे पास, इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल के सामने ये नीचे लिखेंगे हम, ये 3 होगा, और इस एंगल वाले के सामने ये लिखेंगे, ये 8 होगा। क्लियर है, पहले क्या लिखा, ए बी, ए बी अपॉन ए सी। अब ए सी की वैल्यू क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे, यहाँ पे 8 में सीधा लिख देता हूँ, ए सी की वैल्यू 8 लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू क्या हो गई, 64/3 हो गई। अब आपसे क्या पूछा है, बी डी पूछा है, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए डी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64/3 माइनस 3, 3×9 दैट इज 55/3। ठीक है, बच्चे कन्फ्यूज बस जानते हो कहाँ होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया होता है, इसमें ये लिखने में कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं तुमको फिर से सिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या करना है ना, आराम से तुम क्या करना, जो एंगल इक्वल है उनके
अपोजिट में जो साइड्स आते हैं उन्हीं का रेशियो ले लिया करो बस, कोई लिखने पढ़ने की कोई कन्फ्यूजन कभी पैदा ही नहीं होगी। क्या करना ना, इसके सामने ये है तो इसका साइड, और इसके सामने ये है तो इसके साइड का रेशियो, फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ये वाला एंगल है तो इसके सामने ये वाला साइड, और इस वाले एंगल के सामने ये वाला साइड, बस इन दोनों का रेशियो ले लेना। ठीक है, इस तरह से काम करोगे तो हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 55/3। चलिए अगला सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल होने वाला है, बढ़िया से करेंगे, दो तरीके से लगाएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। चलिए सवाल पढ़ते हैं। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अब देखो, एक तो होते हैं वो वाले बच्चे जो काफ़ी ज्ञानी होते हैं, तो उन ज्ञानी बच्चों को ये पता होता है कि ये अगर ए 4.5 है, ये बी जो है वो -2.3 है, आपसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन का इक्वेशन, इसका लाइन का इक्वेशन। तो एक तो तरीका होता है कि आप इस पर कोई पॉइंट ले लो x, y, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बराबर कर दो। ये वाला तरीका आप लोग लगाइएगा, ठीक है, ये दोनों को बराबर कर देना, दोनों को कंपेयर कर देना, एक x और y में आपका इक्वेशन आ जाएगा और वो आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है, स्मार्ट वे। स्मार्ट वे ये कहता है कि आप सबसे पहले ये मिड पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा। ये क्या हो जाएगा, 4 + -2 कितना हो जाएगा 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, और ये 5 + 3/8 8/2 4। तो 1, 4 क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा सेंटर। अच्छा, ये और ये लाइन का जो वो होगा, क्या कहते हैं, m1 × m2 - 1 स्लोप, पर दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई जो होता है वो -1 होता है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है। तो मान लीजिए मैंने इसका लिख दिया m1, तो m1 कितना होगा, m1 होगा y2 - y1 3 - 5 - 2 और x2 - x1 - 2 - 4 -6, ये हो जाएगा 1/3। तो m2 क्या होगा, m2 हो जाएगा आपका -3। ठीक है, अगर m1 की वैल्यू 1/3 है तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। क्लियर है, मैं नहीं दिख रहा हूँ साहब, कोई बात नहीं, ये कंटेंट दिख रहा होगा। चलो, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, m1 निकल गया, m2 निकल गया। अब इसके बाद आप m2 का यूज कर लीजिए यूज फॉर दिस इक्वेशन, y-4 / x-1 = m2। बस कैलकुलेट कर दीजिए, y-4 = -3x + 3, यहाँ पे और कैलकुलेट करेंगे तो y + 3x - 7 = 0 या 3x + y - 7 = 0, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक और तरीका वही था कि √x-4 / y-5 = √x-1 / x - 2 + x + 2 / y - 3 / 2 करके इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो यही ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। ठीक है, चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिगो ट्रिगो के सवाल आए हैं, एकदम इजी, आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो ट्रिगो से आपको अब डरना भी नहीं है, वो बड़े बड़े प्रूफ वाले क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। इन द गिवन फिगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देन कॉट वाई डिग्री अपॉन कॉट एक्स डिग्री कितना होगा। कॉट वाई मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट वाई क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला एंगल है, तो ए सी अपॉन बी सी अपॉन कॉट एक्स डिग्री, मतलब ये छोटा वाला एंगल, तो भैया ए सी अपॉन सी डी, ये ए सी से ए सी गया, बचा क्या, सी डी अपॉन बी सी। सी डी की वैल्यू कितनी होगी, सी डी की वैल्यू हो जाएगी वो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगी, और ये हो जाएगा बी सी, तो बी सी से बी सी कट जाएगा, ये बचेगा कितना, हाफ, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, चल अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द डेसिमल एक्सपेंसर टर्मिनेट्स आफ्टर टू डेसिमल। टर्मिनेट्स का मतलब, टू डेसिमल का मतलब दो डेसिमल के बाद, दो नंबर्स के बाद जो है वो रुक जाए। अगर ये एक्स है, ये वाई है, दो नंबर है, दो नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो भैया 1/13 में हम क्या करते हैं, पहला ऑप्शन मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 13/100, 13 से 13 गया, ये आ गया आपका 1/100, ये आ गया आपका 0.01, तो बिल्कुल यही हमें मिल गया, तो यही टर्मिनेट करेगा। क्लियर है, ये दो पॉइंट पर टर्मिनेट कर जाएगा बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 फॉर यू। साइड्स ए बी एंड बी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी एंड बी ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल डेट बी आर 16 and 8 सेंटीमीटर। ये 16 है, ये 8 है,
द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर एफ डी जी बी, ये जो है वो लार्जेस्ट स्क्वायर है, इसमें सब्सक्राइब किया गया है, तो इसका आपको क्या बताना है, साइड बताना है, क्या बताना है, साइड बताना, लाइट आके चली गई, साइड बताना है, साइड लेंथ कितना होता है। मान लेते हैं कि ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल ले लो चाहे ये ट्रायंगल ले लो, सभी ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर होगा। क्यों होगा, समझ लो, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो ये एंगल के बराबर होगा। मान लीजिए अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं तो ये एंगल कॉमन हो जाएगा, बस डबल ए से क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो भाई साहब हमने क्या किया कि ट्रायंगल ए एफ डी को सिमिलर दिखा दिया ट्रायंगल ए बी ई से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए एफ अपॉन ए बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, एफ डी अपॉन बी ई के, एफ डी अपॉन बी ई के, क्लियर है। तो ए एफ की वैल्यू कितनी है, ए एफ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये x है तो 16 माइनस एक्स, क्लियर है। ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16। एफ डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8, क्लियर है। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, 8 से काटिए 8 एकम 8, 8 दोनों 16, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 2x, एक्स को उधर भेजिए, ये हो जाएगा 16 इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 16/3, यही आपका आंसर होगा, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए बढ़े अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 35। तो सभी सवाल बढ़िया है, एक आख सवाल थोड़ा सा लेवल सही है, बट बाकी तो ईजी, इतने ईजी ईजी सवाल कि क्या ही बताया जाए। चलिए, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आर एस, आर जो है वो -1,3 है, एस जो है वो 9,8 है। पॉइंट पी जो है वो डिवाइड्स कर रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, ये पी पॉइंट है, K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, इफ पी लाइज ऑन द लाइन दिस, पी जो है वो किसी लाइन पर लाई कर रहा है, उस लाइन का इक्वेशन दिया गया x माइनस वाई प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ k। तो भाई साहब सबसे पहले p पॉइंट निकाल लेते हैं भाई, सेक्शन फार्मूला, तो ये हो जाएगा m1 x2 9k-1 अपॉन k+1, और ये हो जाएगा दूसरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8k+1 अपॉन k+1, ये हो जाएगा x और y का कोऑर्डिनेट। अब इसी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे 9k-1 अपॉन k+1 माइनस 8k+1 अपॉन k+1 प्लस 2, ठीक है प्यारे बच्चों, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 9k-1 माइनस 8k-1 प्लस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये k प्लस 1 जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो 9k में से 8k गया, 1k बचा, 1k प्लस 2k, 3k, और 2 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0, नहीं 2 से कुछ गड़बड़ हुआ क्या, गड़बड़ यहाँ हुआ है, 1 इंटू 3 करेंगे तो ये 3 होगा ना, तो ये 3 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 3 × 4 = 4 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 2 ये हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, क्लियर है, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही प्यारा सवाल है, आराम से लगाएंगे इसको। सवाल ये है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ 14 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 14, ई एफ जी एच एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये सब मिड पॉइंट है। अच्छा, मिड पॉइंट है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सब रेडियस ही रेडियस है। द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन, अगर मैं पूरे सर्कल की बात करूँ, पूरे स्क्वायर में से बात करूँ, तो आप स्क्वायर का एरिया माइनस ये एक सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, वेट वेट वेट, आपको क्या निकालना है, सेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, द एरिया ऑफ द सेडेड पोर्शन, ये हो जाएगा सेमी सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल एरिया, ठीक है, ऊपर वाले का, और यहाँ से हम कह देंगे कि इस नीचे वाले रेक्टेंगुलर पोर्शन में से प्लस नीचे वाले रेक्टेंगुलर पोर्शन, नाम है इसका सी एफ एच डी, सी एफ एच डी में से 2 क्वार्टर सर्कल बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब एक सेमी सर्कल बाहर करना है, ठीक है, एक सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करना है। तो भैया बचेगा क्या, ये सेमी सर्कल का एरिया प्लस
सी एफ एच डी का एरिया माइनस सेमी सर्कल का एरिया। तो सेमी सर्कल के एरिया से सेमी सर्कल का एरिया कट जाएगा, बचेगा क्या, सी एफ एच डी का एरिया मतलब हाफ ऑफ द स्क्वायर एरिया, हाफ इंटू 14 × 14, 2 × 14 = 14, 14 × 14 = 98। बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, फिर यहाँ से इस क्वार्टर में से फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका फिर सम करेंगे, तो बहुत लेट हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव माइंड से चलेंगे तो शायद जल्दी आप आंसर निकाल पाएंगे, और आंसर क्या आएगा, 98। ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल ऊपर और ये जो एरिया है ना ये भी सेमी सर्कल के एरिया के ही बराबर होगा। क्लियर है, सी एफ एच डी में से सेमी सर्कल का एरिया बाहर निकाल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल होने वाला है, ओलंपिक अभी चल रहा था आप लोगों को पता है ना। चलो, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग मेड बाय द टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच। सभी का कितना है सेंटर भाई, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये वन है। इंटरेस्टिंग इन सच वे दैट द कॉर्ड फाउंड बाय द ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू सर्किल इज ऑल्सो द लेंथ ऑफ 1। अच्छा, ये भी 1 है तो भैया ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, तो डॉटेड रीजन जो है ना वो, अब यार देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एरिया क्योंकि सभी में यही होगा, तो भैया यहाँ से देखा जाए तो यहाँ समझिए कुछ इस प्रकार से आपका एक रीजन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका एरिया निकाल दो और यही एरिया आप 8 बार ले लो, 1 2 1 2 1 2, तो 2 × 8 बार, बस आपको एक का एरिया निकालना है, तो ये एरिया निकाल लोगे ना। कैसे निकालते हो, सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया निकाल के, तो सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, कहोगे भैया ये हो जाएगा आपका 1/6, क्योंकि 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका π/6 माइनस √3/4। ये तो एक का आया, ये एक सेगमेंट का आया, ऐसे ही 8 सेगमेंट है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × π/6 माइनस √3/4 दैट विल बी द सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आई चीजें, बहुत बढ़िया। ऐसे इजी तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। इफ 2.5 आर द जीरोज ऑफ द px² + 5x + r देन, तो भैया p और r की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्या दिया गया है, px² + 5x + r = एक पॉलिनोमियल। तो आप यार देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो भैया सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, या फिर आप जीरोज की वैल्यू रख के p और r में दो इक्वेशन जनरेट कर लो। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा पे है। तो हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख लेते हैं, ये आ जाएगा -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 + 1/2 देते 2 × 4 = 5/2, किसके बराबर हो जाएगा, 5/p, लेकिन माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है, अब इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, आरपी हो जाएगा, आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 दैट इज 1, तो भैया p की वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस, इज देयर एनी फॉल्ट आई हैव डन, r × p, अरे भैया आरपी थोड़ी लिखोगे, वेट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब 2 × 1/2 = c/a दैट इज r/p। अच्छा, ठीक है बेटा, r/p की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 1, p की वैल्यू -2 है, तो r की वैल्यू क्या हो गई, -2। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर b। क्लियर है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 100। सर्कमफ्रेंस कितना दिया गया, 100 मतलब 2πr की वैल्यू कितनी दी गई है, 100। साइड ऑफ स्क्वायर पूछ रहा है, तो भैया आप लोगों को पता है कि ये जो बड़ा सर्कल होगा ये डायमीटर से पास होगा, इसका क्या, डायगोनल। अगर मान लीजिए सर्कल का ये है आपका a, तो ये कितना होगा, √2a। √2a किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा, 2r किसके बराबर होगा, 100/π के बराबर होगा। क्लियर है, आपको क्या निकालना है, a निकालना है, तो a किसके बराबर होगा, 100/√2π के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, ये 50√2/π के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर c विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, a की वैल्यू आपको निकालनी है, साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलो अगला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 40, सेक्शन बी हम फिनिश करने वाले हैं 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो बहुत ही आराम से मैंने पूरा समझा दिया, तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इतना ही टाइम लगेगा आपको एग्जाम में करने में, क्योंकि आप खुद से करोगे, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, और तेज करोगे। चलो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 3×x + y = 243, मतलब 3×x + y को हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3×5 लिख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ 2×, इसको लिख सकते हैं 3×5 के होल पावर x - y = 3।
या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3x - 5y = 3y। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x + y = 5। यहाँ से हम लिख सकते हैं 5x - 5x - 3y = 1। अब ये कह रहा है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो भैया आप यहाँ से देखिए a1 / a2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/5, b1 / b2 की वैल्यू क्या आ रही है 1/-3। तो भैया a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगी 1। डन, चलिए यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपके दो क्वेश्चन केस बेस्ड रहने वाले हैं। दो क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन। दो में से ऐसे नहीं, 10 में से 8 क्वेश्चन, टोटल 10 केस बेस्ड क्वेश्चन में से आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं। आपकी इच्छा है कि इस वाले में से 3 ही करिए, अगले वाले में से 5 के 5 कर दीजिए, इस वाले में 5 कर दीजिए, अगले में 3 कर दीजिए, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल ये है कि द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड शोज ए पाथ ऑफ ए ड्राइवर व्हेन सी टेक्स अ जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। ये पैराबोलिक है, ठीक है, यहाँ से ये कूद रही है ऊपर जाके। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए डाइविंग बोर्ड 48 feet above the water। अच्छा, इस पर डाइविंग बोर्ड पे है, ये पानी से कितना ऊपर है 48 feet, क्लियर है, ये पानी से कितना ऊपर है 48 feet। She took a dive into the pool, her height above the water at any time t in second is given by the polynomial। उसका जो है वो हाइट एनी टाइम, किसी भी टाइम टी पर जो है वो इस पॉलिनोमियल से दिया गया है कि अगर मान लीजिए आप 10 सेकंड पे निकालिए, यहाँ पे 10 सेकंड पे टी की जगह 10 लिख दीजिए, आपको हाइट पता चल जाएगा कि इस समय वो पानी में कहाँ पर खड़ी है, ठीक है, पानी के ऊपर कितनी हाइट पे खड़ी है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे 41वां ये पूछा गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीट, लेट मी चेक। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, तो अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि भैया एक तो काम हम ये कर सकते हैं, जब टाइम टी इक्वल टू 0 सेकंड रहा होगा, जब एकदम शुरू की होगी तो वो इस पर खड़ी रही होगी, समझिएगा क्वेश्चन, यही केस बेस्ड क्वेश्चन बनता है। जब टी इक्वल टू 0 रहा होगा तो ये इस पर खड़ी रही होगी, और जब ये खड़ी रही होगी तो पानी से कितने ऊपर रही होगी 48, मतलब एच ऑफ टी की वैल्यू क्या रही होगी 48, और ये हो जाएगा -16, टी की वैल्यू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस के, तो ये हो गया 0 प्लस के इक्वल टू 48, तो के की वैल्यू क्या आ गई 48, तो भैया यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा सी। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको निकाले तो निकाले कैसे, सीखिए जब टाइम टी 0 होगा तो जमीन से कितने ऊपर होगी 48, मतलब एच ऑफ टी की वैल्यू आपके पास होगी। चलिए अगला सवाल, एट वॉट टाइम विल सी टच द वॉटर इन द पूल। अब कोई इक्वेशन क्या दिया गया है आपको, -16t² + 8t + k, -16t² + 8t + k इक्वल टू एच ऑफ टी। अब यार एक बात सोचो, अभी वो जमीन से कितने ऊपर थी 48 फीट ऊपर, मतलब पानी से, अब ये इतना नीचे आएगी तभी ना टच करेगी उसको, कब, जब ये 48 फीट नीचे आएगी, और जब वो नीचे आएगी तो यहाँ से जमीन से लेवल से हाइट क्या रहेगा, हाइट क्या रहेगा 0, तो भैया -16t² + 8t + k की वैल्यू 48 है, आपको k की वैल्यू पता रखनी चाहिए 48 है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 से कॉमन ले लेंगे तो -2t² + t + 8 = 48, या फिर हम इसे कह सकते हैं इक्वल टू 0 है, इसे हम कह सकते हैं 2t² - t - 6 = 0, 6 × 12 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2t² - 4t + 3t - 6 = 0, 2t यहाँ से कॉमन लेंगे तो t - 2 + 3t - 2 = 0, तो t की वैल्यू एक तो आएगी -3/2, एक तो आएगी t की वैल्यू 2, तो नेगेटिव टाइम तो लेंगे नहीं, तो टाइम को पॉजिटिव लेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेकंड, 1.5 सेकंड मत मार देना, 1.5 भी आंसर आ रहा है लेकिन ये 1.5 नेगेटिव आ रहा है, हमें पॉजिटिव वाला लेना होगा टाइम, क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 सेकंड। जिनको नहीं समझ में आ रहा है कि 0 क्यों लिया गया है, 0 इसलिए लिया गया है क्योंकि इस टाइम पर जो है वो जमीन को टच कर रही होगी, उस समय हाइट जो है वो 0 रहा होगा, क्लियर है, पानी को जब टच कर रही होगी। अगला सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल है, रीताज हाइट एबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय द अनदर पॉलिनोमियल विथ जीरोज -1 and 2, देन द पी ऑफ टी इज गिवन। तो आपको जीरोज दिए गए हैं, तो आप अगर पी ऑफ टी कोई पॉलिनोमियल निकालना होता तो वो ऐसे निकालना होता, के ऑफ
टी माइनस ऑफ जो जीरोज है माइनस ऑफ माइनस वन इंटू टी माइनस टू, तो ये आ जाएगा आपका के ऑफ टी प्लस वन टी माइनस टू, या फिर आप इसे कह सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस टी माइनस टू, या फिर के ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टी माइनस टू। अब बच्चे सोचते हैं माइनस टी माइनस टू सही है ना, कि भैया ऐसा ऑप्शन तो हमें दिख ही नहीं रहा है, अब हम क्या करें? रिलैक्स रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। अच्छा ये बात सोचिए, रिलैक्स हो गए ना, अब ये बात सोचिए कि कोई भी बंदी खड़ी होगी तो वो टी टाइम जीरो पे कोई भी सब लोग यहीं से कूद रहा होगा, तो जब टी इक्वल टू जीरो रहा होगा तो वो भी कितने हाइट पर खड़ी होगी, 48 की हाइट पर। तो यहाँ पे हम टी इक्वल टू जीरो रख के देखते हैं और पी ऑफ टी को किसके बराबर करते हैं 48 के, तो ये हो जाएगा के ऑफ जीरो माइनस जीरो माइनस टू, तो माइनस टू के इक्वल टू 48, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 24। तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे आप रख देंगे ये हो जाएगा माइनस 24 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस टू, ये हो जाएगा आपका माइनस 24 टी स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48। अब जाके आपका क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ। बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं कि बच्चे के नहीं लेते हैं, के का मतलब होता है के यहाँ पे कांस्टेंट है और के की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, जो आपको ये चीज़ दिया गया है वो ऐसे ही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 24, और इस माइनस 24 को यहाँ पुट करके एग्जैक्ट आंसर निकालेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल, ए पॉलिनोमियल क्यू ऑफ टी विद द सम ऑफ जीरोज एज 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज माइनस 6 मॉडलिंग अनुज हाइट इन द फिट एबव द वाटर इन एनी टाइम टी देन क्यू ऑफ टी इज गिवन। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, वहाँ पे जीरोज दिया गया था, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है, तो आप यहाँ से क्यू ऑफ टी निकाल सकते हैं। क्यू ऑफ टी क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, या फिर आप यहाँ पे टी लिख सकते थे, यहाँ पे टी लिख सकते थे क्योंकि टी आपको दिया गया है, ठीक है, टी स्क्वायर टी। तो आपको क्या पता है, अब लिख लीजिए के ऑफ टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 है, तो ये टी हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 6 दी है। अब यहाँ से आप क्या कहेंगे, अब आप क्यू ऑफ टी एट टी इक्वल टू जीरो निकालेंगे, तो टी इक्वल टू जीरो क्यू ऑफ टी क्या होगा, सभी लोग सेम हाइट पर हैं 48, तो ये हो जाएगा 48 इक्वल टू के टाइम्स ऑफ जीरो माइनस जीरो माइनस 6, ये आ जाएगा के की वैल्यू माइनस 8। अब ये के की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, अब आपके पास आंसर सही आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 8 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6, ये हो जाएगा माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48, तो माइनस 8 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 48। क्लियर है, बढ़िया सवाल था। चल आखिरी सवाल पहले की इस बीट क्वेश्चन का, द चीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर निगेटिव ऑफ ईच अदर देन के इज, ये एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज क्या है, निगेटिव है ईच अदर के, मतलब एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, तो कह रहा है कि देन के क्या होगा, तो भैया सम ऑफ जीरो क्या होगा, सम ऑफ जीरो जीरो होगा, तो भैया यहाँ से सम ऑफ जीरो लिख सकते हैं माइनस ऑफ के माइनस 3 अपॉन ए, ए की वैल्यू माइनस 2 माइनस बी बाई ए है, तो के से के इसको काट देंगे, 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, तो के माइनस 3 की वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो के की वैल्यू क्या आ गई भाई 3 आ गई, ठीक है, के की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है 45 क्वेश्चन, कुल टाइम लगे हैं 1 घंटे 8 मिनट, तो बहुत ही मेहनत से मैंने चीज़ें आपके लिए की हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को शेयर ज़रूर करेंगे, मैं टाइम स्टैम्प्स ज़रूर बना दूंगा ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भैया यहाँ पे एक केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे इसको। एक हॉकी फील्ड है जिसमें हिस्टोरिकली द गेम वॉज प्लेड ऑन द नेचुरल टर्फ बट नाउ डेज इज प्रोडक्टली प्लेड ऑन आर्टिफिशियल टर्फ, आपने देखा होगा कि हॉकी में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए हॉकी में इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है अभी ओलंपिक में, कौन सा मेडल जीता है, जल्दी से हॉकी इंडिया में कौन सा मेडल जीता है अभी ओलंपिक में मुझे कमेंट करके बताइएगा, बॉयज़ का और गर्ल का, देखता हूँ तुम लोग ओलंपिक फॉलो कर रहे थे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में दी गई, 11 प्लेयर दिए गए, बताया गया कि फॉरवर्ड जो है यहाँ है, मिडफील्डर यहाँ है, फुलबैक्स यहाँ है, गोली यहाँ है, सबके पोजीशंस दिए गए हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर है, अब क्वेश्चन पे आते हैं सीधा, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ट्रायंगल ई एच जे, ई एच, एच कहाँ है, एच ई एच जे की जी जे, बस आपको क्या करना है, इनका कोऑर्डिनेट सबसे पहले लिखना होगा, ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 और वाई पे इसका हो जाएगा 1 2 कॉमा 1, एच क्या हो जाएगा, एच का दोगे माइनस 2 कॉमा 4, जे क्या हो जाएगा
माइनस टू कॉमा माइनस टू, सेंट्रॉयड निकालना है तो माइनस टू प्लस माइनस टू माइनस फोर प्लस टू हो जाएगा माइनस टू बाई थ्री, चार माइनस टू हो जाएगा आपका चार एक पाँच, पाँच में से दो गया तीन, तीन बटे तीन हो गया एक, तो माइनस टू बाई थ्री कॉमा वन, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए प्लेयर पी नीड्स टू बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी सच दैट ए पी जी आर इन द स्ट्रेट लाइन देन द पी विल बी। अब यार ये समझ लेना कि अगर ए है और जी है, पी जो है वो इसी लाइन पर खड़ा होकर इक्वल दूरी पे होना चाहता है, तो ये जान लीजिए तभी होगा जब ये पी जो हो मिड पॉइंट होगा। तो हमें क्या निकालना है, ए और जी का मिड पॉइंट, ए और जी पॉइंट यहाँ खोजते हैं। एक तो जी यहाँ है, जी का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं वन कॉमा माइनस थ्री, ए कहाँ है यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पर थ्री है, वाई एक्सिस पर थ्री। अब हमें क्या करना है, ए और जी का मिड पॉइंट निकालना है, तो ये आ जाएगा तीन एक चार बटे दो, और ये आ जाएगा छः में से तीन गया तीन बटे दो, दैट इज टू कॉमा वन पॉइंट फाइव, टू कॉमा थ्री बाई टू, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलिए, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आई एंड ई, आई और ई से कोई हमें पॉइंट लेना है जो इक्विडिस्टेंस हो एक्स एक्सिस पर, तो आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस वन कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन और टू कॉमा वन, माइनस वन कॉमा वन एंड टू कॉमा वन, दो कोऑर्डिनेट है आपके। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है तो ये पॉइंट क्या होगा आपका, एक्स कॉमा जीरो, वाई की वैल्यू जीरो होगी। यहाँ से इक्वी डिस्टेंस दिखा दीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस जीरो या जीरो माइनस वन, वन का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ये यहाँ से रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, या फिर हम इसे कह सकते हैं एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू, कुछ गलती हो गई क्या, डायरेक्टली रूट नहीं हटाएंगे, पहले स्क्वायर खोलेंगे इसका, ठीक है, स्क्वायर खोल देते हैं इसका, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, माइनस फोर एक्स इधर आ जाएगा तो ये सिक्स एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन बाई टू कॉमा जीरो, ठीक है, वन बाई टू कॉमा जीरो। चलिए बढ़िया है, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ ए प्लेयर क्यू सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई एंड के, क्यू एंड की ई आर कोलिनियर। देखिए ऐसे सवालों के लिए फिगर आपके पास जस्ट सामने होना चाहिए, तो अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा फिगर को देखने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से फिगर खोल लेता हूँ, यहाँ से तुरंत यहाँ से देख लूँगा। चलिए ये क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लेयर क्यू सच दैट, क्यू का हमें कोऑर्डिनेट पता करना है, क्यू कोई अलग सा फील्ड है, डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई, एंड के से डिस्टेंस जो है वो ट्वाइस है, क्यू सच दैट हिज डिस्टेंस फ्रॉम के इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम ई। अच्छा क्यू कोई पॉइंट है, के और ई दो पॉइंट है, के कहाँ है पहले, के यहाँ है, ई यहाँ है, क्यू कोई पॉइंट है, मान लीजिए क्यू यहाँ है, तो क्यू से के तक की दूरी जो है वो ना क्या है कि के क्यू ई आर कोलिनियर, अच्छा एक ही लाइन पे है, ठीक, और ये कह रहा है कि क्यू से के तक की डिस्टेंस दुगनी है, एक या टू इस टू वन के रेशियो में है, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। अब यार देखो इसका एक मैं डायरेक्ट देखता हूँ लगाने का तरीका, कि ये टू है, ये कहाँ पे होगा, ये आपका ये है माइनस फोर कामा, ये है माइनस फोर कामा वन पे, और ये किस पे है, टू कामा वन पे, तो ये कहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई छः, तो ये किस पे हो जाएगा, ये इस पे आएगा, यहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट यहाँ आएगा, क्योंकि तभी तीन के रेशियो में डिवाइड होंगे, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वन कॉमा, अरे जीरो कॉमा वन, ऑप्शन है क्या जीरो कॉमा वन, हाँ ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इसको सेक्शन फॉर्मूले से भी लगा सकते थे, देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट दिया गया था माइनस फोर कॉमा वन, ये आपको दिया गया था आपको कितना टू कॉमा वन, ये आपको दिया गया था क्यू, ये कह रहा था कि ये टू इस टू वन के रेशियो में, तो मैंने क्या किया टोटल डिस्टेंस निकाल लिया क्योंकि कोलिनियर है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस छः, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चार होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दो होगी, तो ये कहाँ लाई कर रहा था, ये वाई एक्सिस की लाइन पर लाई कर रहा था, इसलिए मैंने जीरो कॉमा वन कह दिया, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ें, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50,
द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बी एंड सी इज, वाई डिस्टेंस पर कोई, वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट होना चाहिए जो बी और सी से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ये कितने हो गया 0, y, इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए भाई, ये हो जाएगा 4, अच्छा वाई एक्सिस यहाँ नहीं है जी, पगला यहाँ है, मान लीजिए यहाँ पे है, ये पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 3 और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, -1। तो हमें क्या करना है, यहाँ से ये हो जाएगा पॉइंट 0, y, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपने कॉपी पर, 0, y से हमें निकालना है, बी का हो गया 4, 3 और ये हो गया 4, -1, 4, 3 और 4, -1। अब यहाँ से ये कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 और 3 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 प्लस -y - 1 का होल स्क्वायर या फिर 1 + y का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट से रूट हट जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9 + y² - 2 = 6y और ये हो जाएगा 1 + y² + 2y। y² से y² गया, 6y से ये इधर गया, तो आपका हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 8y। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 0, 1 विल बी द आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, 0, 1 इसका आंसर होगा और एग्जैक्ट यही आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 घंटे 15 मिनट में बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व कर लिया है पेपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पेपर सॉल्विंग आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो आप सभी लोग तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए, सफलता बैच आ रहा है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन YouTube। ठीक है, बहुत बढ़िया तैयारी करेंगे 21 सितंबर से, ठीक है 21 सितंबर से मैथ साइंस और SST की बढ़िया से जम के तैयारी करेंगे बिल्कुल मजे के साथ। फुल 40 of 40 टारगेट रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्लियर है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको करा दिया। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर देना यार, छोटा सा धन्यवाद दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से सोशल और साइंस की भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो यहीं पर मैं आपको छोड़ता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद।